अस्सलामु अलैकुम नान, मैं मोहसिन इस्तकबाल करता हूँ आपका मोहसिन ज़हीर कंप्यूटर्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि अगर आप कॉरल ड्रॉ के अंदर इस तरह का डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो आप उसको बआसानी कैसे बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हम यहाँ से कॉरल ड्रॉ को खोल लेते हैं और इसके बाद हम जाते हैं यहाँ पर एलिप्स टूल के ऊपर और हम यहां से एक गोल बॉक्स कंट्रोल को प्रेस करते हुए इस तरह से बना लेते हैं तो ये दोस्तों बिल्कुल गोल बन जाता है। अब इसके बाद नाज़रीन, आप कंट्रोल को दबाते हुए इसको दाएं जानिब को लाएंगे और यहां पर लाकर इसकी कॉपी कर देंगे। इसके बाद नाज़रीन, आप इन दोनों को इस तरह से करेंगे सेलेक्ट। इसके बाद आप जाएँगे प्रॉपर्टी बार में और यहाँ से आप कर देंगे इंटरसेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पर ये कॉपी तैयार हो जाती है। अब इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर इन दोनों को डिलीट कर देते हैं इस तरह से। अब इस पत्ती को इसके ऊपर एक मरतबा और क्लिक करते हैं और इसके सेंटर पॉइंट को यहाँ पर कंट्रोल के साथ लाते हैं नीचे को और फिर कंट्रोल के साथ इसको बाएं जानिब को घुमाते हैं और यहाँ पर उसकी कॉपी कर देते हैं माउस के ज़रिए से। इसके बाद आप जाएंगे स्मार्ट फिल टूल में और स्मार्ट फिल से यहाँ पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद नाजरीन, यहाँ पर भी ये कॉपी तैयार हो जाती है। अब इसके बाद दोस्तों आप इन दोनों को डिलीट कर दीजिए। इसके बाद नाजरीन, आप जाएंगे यहाँ पर नीचे, यहाँ पर एक टूल है इंटरेक्टिव फिल टूल जिसकी शॉर्टकट की है जी। आप इसको यहाँ पर लाकर इस तरह से खींच दीजिए और इस नीचे वाले में आप कर देंगे ये वाला कलर, यानी के दोस्तों फ़िलहाल हम ये वाला कर देते हैं ये। इसके बाद नाजरीन, आप यहाँ पर क्लिक कीजिए ऊपर वाले पर और यहाँ पर भी इसी कलर को फिल कर देंगे। इसके बाद दोस्तों आप इसके यहाँ पर बीच में डबल क्लिक कीजिए तो इसमें एक बॉक्स आ जाता है। अब इसमें आप वाइट कलर को फिल कर दीजिए इस तरह से। इतना करने के बाद नाजरीन, आप जाएंगे सिलेक्शन टूल पर। इसके बाद आप यहां पर जाइए प्रॉपर्टी बार में और यहां से इसके आउटलाइन को कर दीजिए 8। इसके बाद नाजरीन, आप इसमें वाइट कलर को फिल कर दीजिए राइट क्लिक करके इस तरह से। अब उसके बाद दोस्तों आप इसके सेंटर पॉइंट को यहाँ पर नीचे लेकर आएंगे कंट्रोल को प्रेस करते हुए इस जगह जहाँ पर अब ये है, यानी कि नाजरीन आप इसको कंट्रोल को प्रेस करते हुए लाएं इस तरह से इस जगह पर। इसके बाद दोस्तों आप कंट्रोल को प्रेस करते हुए इसको बाएं जानिब को घुमाएं और कॉपी कर दें माउस के ज़रिए से। इसके बाद नाजरीन, आप इस दूसरे वाले पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आप जाएंगे इंटरेक्टिव फिल टूल पर और इस ऊपर वाले पर क्लिक करेंगे। इसमें हम कर देते हैं रेड कलर। इसके बाद नाजरीन, आप जाएँगे यहाँ पर नीचे वाले बॉक्स पर और इसमें हम कर देते हैं ये वाला कलर ग्रीन। इसके बाद नाजरीन, आप इन दोनों को इस तरह से करेंगे सेलेक्ट और इन दोनों को कर देंगे यहाँ से ग्रुप या फिर कीबोर्ड में मौजूद जी से कंट्रोल जी से आप इसको ग्रुप कर दें इस तरह से। अब इसके बाद नाजरीन, आप यहाँ पर बीच में क्लिक कीजिए और जो इसका सेंटर पॉइंट है इसको कंट्रोल को प्रेस करते हुए यहाँ पर लेकर आएंगे। इसके बाद नाजरीन, आप इसको इस तरह से घुमा दीजिए कंट्रोल को प्रेस करते हुए और कॉपी कर दीजिए। इसके बाद आप कंट्रोल आर से इस तरह से इसको कॉपी करते रहेंगे। तो नाजरीन, आप देख सकते हैं कि ये डिज़ाइन बनकर तैयार हो चुका है। अब आप इसके बाद इस पूरे मजमे को करेंगे सेलेक्ट और इसको कर देंगे ग्रुप कंट्रोल जैसे ग्रुप। इसके बाद नाजरीन, आप जाएंगे यहाँ पर एक गोल बॉक्स बना लेंगे कंट्रोल को दबाते हुए बिल्कुल गोल। इसके बाद इसमें हम कर देते हैं ग्रीन कलर इस तरह से और यहाँ से हम कर देते हैं इसके आउटलाइन को ख़त्म में। इसके बाद दोस्तों ये तो सेलेक्ट है ही, और शिफ्ट के साथ हम इस डिज़ाइन को करते हैं सेलेक्ट और फिर कीबोर्ड से सी और ये दबा देते हैं तो दोस्तों ये इसके बीच में आ जाता है। तो नाजरीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। खुदा हाफिज़।